हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एरिस्टोज एंड सीरप के बारे में। देख सकते हैं कुछ पैकिंग इस टाइप से आती है। एरिस्टोज एंड यह सीरप है और यह जो है बहुत ही बढ़िया भूख बढ़ाने के लिए एक सीरप है। यदि आपको भूख नहीं लगती है तो आप इस सीरप का सेवन जरूर करें। आपके फैमिली में किसी को भी यदि भूख नहीं लगती है और खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या सेल से नहीं पच रहा है तो आप इस सीरप का सेवन करेंगे तो बहुत बढ़िया भूख लगेगी, खाना पचेगा और खट्टी जो ढकारे वगैरह आती है गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट साफ नहीं होता है। और बच्चे जो है स्पेशली हैं जो 6 से 12 साल तक के बच्चे हैं उनको अक्सर शिकायत होती है माओ की उनकी कि ये बच्चे खा नहीं रहे या दूध नहीं पी रहे। तो ऐसी समस्या यदि है तो इस सिरप को पिलाएं, बहुत बेटर आराम मिलता है। और यह जो है गैस के लिए और डाइजेशन को सही करने के लिए, लीवर को मजबूत करने के लिए और भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया सिरप है। प्रेगनेंसी में भी सेफ है। तो यदि प्रेग्नेंट औरत है और वो प्रेगनेंसी में अक्सर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, भूख नहीं लगती है और खाना नहीं पचता है, तो यदि प्रेगनेंसी है और खाना नहीं पच रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो भी आप इस सिरप को गर्चक लें। 10 ml सुबह, 10 ml शाम, आधा ग्लास पानी मिला कर लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बहुत बढ़िया भूख लगेगी। 200 ml का सिरप है। और कंपनी की बात करें तो एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इसको बनाती है। 148 रुपये इसकी मार्केट, 148 रुपये अर्थात 148 रुपये में आप मार्केट से इसको ले सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। और इसमें डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन कोई विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एंजाइम सिरप है, भूख को बढ़ाने के लिए है। तो यदि आपको भूख नहीं लगती है तो आप जरूर इस सिरप का सेवन करें। और चलिए इसके बारे में और भी जानकारी दे दूँ तो जैसा कि मैंने बताया छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 5 ml सुबह, 5 ml शाम, आधा ग्लास पानी मिला कर दें। और 12 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो 10 ml सुबह, 10 ml शाम को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और यह है डोज। और कंपोजिशन के बाद बात करें तो डाइस्टेस एंड पेप्सिन इसमें मिला हुआ है, दो तरह के लिक्विड इसमें मिलाया गया है, दो तरह से दो कंपोजिशन मिल करके यह सिरप बना है, जो कि भूख बढ़ाने में खट्टी ढकारे वगैरह गैस वगैरह जो भी है इन सबको सही करने के लिए बहुत ही बढ़िया सिरप है। प्रेगनेंसी में भी सेफ है, ब्रेस्ट मदर्स भी इसको ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही बढ़िया सिरप है। और चलिए हम इसकी कुछ साइड इफेक्ट की बात कर ले। तो साइड इफेक्ट में यदि आपको मुंह पक रहा है, पूरा मुंह पक जा रहा है, जैसे कि सफ़ेद या लाल लाने पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होती है और खाना खाने में वो भी बहुत ज़्यादा लगती है खाना, तो आप खाना नहीं खा पाते हैं, ऐसे कुछ मुंह पकना कहते हैं उसको, या और भी कुछ कई भाषाओं में कई जगह पर कई तरह से कहा जाता है, हम लोग फिर उसको मुंह पकना कहते हैं। तो मुंह यदि आपको पक रही है तो आप इस सिरप का सेवन बंद कर दें। और मुंह तभी पकता है जब आप इसका ओवर डोज ले लें या बिना पानी से लें। बिना पानी से भी लेना गलत है और ओवर डोज लेंगे, जैसे कि 15-20 ml सुबह, 15-20 ml शाम को ले तो भी आपका मुंह पक सकता है, ऐसी भी समस्याएं काफ़ी हद तक देखी जाती हैं। तो यदि आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप इस सिरप का सेवन न करें, तुरंत बंद कर दें, नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क कर लें। तो कैसी रही जानकारियाँ एरिस्टोजैम लिक्विड 200 ml सिरप के बारे में? और यह पाइनएप्पल फ्लेवर में है और डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप है। पाइनएप्पल फ्लेवर देख सकते हैं, इसके बहुत ही फेमस है ये पाइनएप्पल फ्लेवर में, और बहुत ही प्यारा स्वाद भी है, जिसको औरतें जो है स्पेशली जो लेडीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं पाइनएप्पल फ्लेवर को। तो पाइनएप्पल फ्लेवर में यह सिरप है, बहुत ही प्यारा सिरप है, बहुत ही अच्छा स्वाद में है, मीठा सिरप है, शुगर फ्री तो नहीं है। यदि शुगर के पेशेंट हो तो इस सिरप को ना ले, क्योंकि यह शुगर फ्री सिरप नहीं है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। बहुत ही मीठा सिरप है और बहुत ही प्यारा स्वाद में है। फीमेल्स को अक्सर औरतों का ये शिकायत होती है कि मैं कड़वा सिरप नहीं पीऊँगी, तो ऐसे औरतों के लिए एक अच्छा चीज़ है जो कि बहुत ही मीठा है सिरप। जानकारी कैसी रही एरिस्टोजैम सिरप के बारे में? जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय।